कैसा रहा सफर फिर? ठीक था, सुरक्षित घर आ गए। सफर तो बहुत टायरिंग रहा क्योंकि पिछले लास्ट 20 आवर्स से आई एम कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग। जी, और ट्रैवल कहाँ से कर रहे थे? मैं पोलैंड से। ओके, आप यूक्रेन में फंस चुके थे? हाँ जी। तो कैसे इवैक्यूएशन हुआ और आज घर पहुँचे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, फील तो बहुत अच्छा, रिलैक्स हो रहा हूँ। वहाँ पे तो टेंशन ही इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा जी, कि कैसे घर आना है, क्या करना है। तो इवैक्यूएशन कैसे शुरू हुई? मेरी 24th को रशिया ने अटैक किया और 24th को मेरी शाम को 8 बजे की फ़्लाइट थी। सुबह मैंने बस पकड़ के एयरपोर्ट जाना था जो वहाँ से नियर अबाउट 600 किलोमीटर दूर था। तो उसके बाद मम्मा पापा ने सुबह 5 बजे उठाया, तो बात करते करते मैं विंडो पे गया तो सामने एकदम से बम पड़े दो। मेरे को तो ऐसे लगा जैसे किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन हो रही है, तो नॉर्मली देयर। तो उसके बाद एकदम से 10-15 मिसाइलें इकट्ठी गिरने लग पड़ी, तो एकदम से सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई वहाँ पर। तो आप अकेले ही उस समय वहाँ मौजूद थे या? उस टाइम मैं अकेला था वहाँ पे। तो क्या फीलिंग थी, क्योंकि आप उस समय पेरेंट्स से भी बात कर रहे थे अपने? तो फिर मैंने उसके बाद अपने सारे जितने मेरे साथ में फ्रेंड्स थे दूसरे रूम्स में, तो मैंने उनको उठाया ये वो कि चलो ज़्यादा काम ख़राब हो गया। उसके बाद हम बाहर सामान ग्रोसरी वगैरह लेने चले गए कि अगर कल को ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है तो अपने पास कुछ खाने पीने के लिए होना चाहिए। जी, और कब समझ आया कि ये अटैक हुआ है रशिया की ओर से? ये उसी टाइम समझ लगी थी क्योंकि तब थोड़ा अंधेरा था और वो लाइटनिंग ऐसी हो रही थी जैसे बल्ब स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, तो बिल्डिंग्स के पीछे पूरा वैसा व्यू मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। जी, इस पूरी सिचुएशन के बाद काफ़ी दिन आपको शेल्टर लेकर मेट्रो स्टेशन पर भी रहना पड़ा। हाँ, मैं 6 नाइट्स वहाँ पे स्पेंड किए मैंने अपने। क्या वहाँ का एक्सपीरियंस था और किस तरह से आपको सिचुएशंस वहाँ की फेस करनी पड़ी? वहाँ पे गाइड करने वाला तो कोई नहीं था, वहाँ पे बस लोकल को देख के ही मैं फॉलो करता गया कि कहाँ शेल्टर लेना सेफ है कहाँ नहीं है, तो बस फिर वहीं पे। खाने पीने का किस तरह, जिस तरह आपने खाने पीने आते हैं हमारे? 3 दिन तक का तो सामान था, तो उसके बाद फिर एक बार स्टोर खुला था तो जाके अरेंज कर लिया था, पर हेल्पफुल करने वाला वहाँ कोई नहीं था। तो आपके साथ कितने लोग अप्रॉक्सीमेटली वहाँ? मेरे फ्रेंड्स तो वहाँ पे 6 थे, बाकी इंडियंस 20 थे और नियर अबाउट 400 लोकल पर्सन थे वहाँ पे। जिस मेट्रो स्टेशन की आप बात कर रहे हैं, ये कौन सी सिटी में? ये खार्किव में। खार्किव, हाँ जी। तो हमने तो यहाँ पे के न्यूज़ में ही सुना कि खार्किव में काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर मिसाइलें जो हैं वो गिर रही हैं, बमबारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हाँ जी। तो वहाँ से आप किस तरह से पोलैंड के बॉर्डर तक पहुँचे? वो ज़्यादा काम ख़राब हो गया था तो फिर सारे जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे निकलने के लिए, तो फिर बस अब ज़्यादा ही हो गया था, तो यहाँ पे भी वही होना वहाँ पे भी, तो फिर रिस्क लेके सिचुएशन हमने प्लान की। 25 फ्रेंड्स थे हम, तो हम ट्रेन में बैठ के, तो इवन वो ट्रेन का क्राउड कंट्रोल करने में भी वहाँ पे फायरिंग वगैरह हो रही थी जो लोकल पर्सन कर रहे थे। जी, इंडियंस को कितना वहाँ पर फ़ायदा रहा? क्या वहाँ पर माहौल इस तरीके का था कि कोई हेल्प कर रहा था वहाँ पर? हेल्प तो किसी ने नहीं की वैसे, टू बी ऑनेस्ट। इंडियन एम्बेसी ने तो सिर्फ बस एडवाइजरी, आपसे वहाँ रहो ये रहो बस। वहाँ से आप शेल्टर लेके बैठे हुए थे वहाँ पे बीमारी से बचने के लिए, तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी की ओर से किस तरह की मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए? वो तो बस यही बोल रहे थे कि आप बाहर ना निकलो, बाहर ना निकलो। अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि सेफ रहो, हम अरेंज कर लेंगे, दैट्स ऑल। कठुआ से कितने फ्रेंड्स आपके आपके साथ वहाँ पढ़ाई कर रहे थे और इस समय आपको कितनों के बारे में जानकारी है कि उनकी सिचुएशन क्या है? नियर अबाउट मेरे तो वैसे 6-7 फ्रेंड्स थे, तो वो अभी कठुआ में आ चुके हैं। पोलैंड जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी पोलैंड के बॉर्डर तक, उसके बाद तो सारा काम बिल्कुल स्मूथ हुआ, बिल्कुल आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ गवर्नमेंट ने पूरी हमारी सपोर्ट की है कि अकोमोडेशन में, खाने में, फ्लाइट्स में, वहाँ आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जहाँ हेल्प चाहिए थी वहाँ हेल्प नहीं मिली, मेन चीज़ वो। जो 6 दिन आपने वहाँ काटे हैं, किस तरह का माहौल था वहाँ पर, और अगर बात करें इंडियंस की और वहाँ के अगर लोकल से? वहाँ पे तो वो था कि जैसे मेट्रो स्टेशन का जो डोर था वो थोड़े टाइम के लिए खुलता था, तो अब खाना लेने भी जाना, पानी भी होना चाहिए, तो हम घर जाते थे फ्रेश वगैरह होके, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पे टॉयलेट्स वगैरह इतने क्लीन नहीं थे, तो वो सारा सिस्टम सारा ही बिल्कुल ख़राब था। तो जब वहाँ से निकलते थे तो किस तरह का माहौल रहता, डर रहता था कहीं मिसाइल ना आके गिर जाए? हाँ, वो तो था। इवन मेरे साथ में सराउंडिंग में 2 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस में भी गिरी हैं, मैंने आंखों से देखी हैं गिरते हुए। तो जब खार्किव से आप निकले हैं तो क्या रशियन आर्मी वहाँ पर पहुँच चुकी थी? रशियन टैंक्स ने जो तबाही वगैरह की हुई थी, गाड़ी सड़कों पे जल रही थी, ट्रक सारे बर्न थे, वो सब देखा था मैंने। और बमबार्डिंग भी बहुत ज़्यादा ही हुई थी उस टाइम। वार्स को हमने स्टोरीज में देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा या फिल्मों में देखा होगा,
आपने आंखों से आपने वार देखी है, हाँ जी, तो किस तरह का कह सकते हैं कि किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप इसको? ये तो कोई डिफाइन करने वाली चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है चीज़। अधूरी पढ़ाई के साथ आज आप भारत वापस लौटे हैं, दुनिया में जिस तरह की सिचुएशन इस समय बन चुकी है, क्या हाँ जी, संदेश देंगे इस समय? किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, उनको डिस्कस वगैरह करके ही अपना सारा वो काम कर लेना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि हालात बदलेंगे? नहीं, क्या आपको आप, लगता है कि आप पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर यूक्रेन जा पाएंगे? मेरे को नहीं लगता। तो अभी लगता है कि इन दोनों देशों में आपसे में कहीं कहीं ना कहीं कोई सुलह जो है वो हो सकती है? नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो खार्किव सिटी है वो ऑलमोस्ट 90% उसने डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ। अगर वो उस डेवलप करना भी स्टार्ट करेंगे तो उसको कई साल लग जाएंगे डेवलप। वो एक तरह से अब 90s में चली गई है। मैं ममता चौहान, ममता जी, आज आपका बेटा सकुशल घर पहुंचा है, ठीक है, किस तरह का माहौल घर में है और क्या सोच चल रही थी जब आपको पता चला कि बेटा आप सुरक्षित पहुंच चुका है और अब आप उसको रिसीव करना चाह रहे हैं? भी मैं बहुत खुश हूँ, सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबने इतनी प्रेज़ की सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चे हमारे सुरक्षित घर वापस आ गए, और इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। आपने अपने बेटे के साथ साथ ये भी प्रार्थना की थी कि सभी के बेटे जो हैं वो सकुशल जो हैं घर पे लौट आए हैं, तो अभी तक जिस तरह से इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो वापस लौट आए हैं। हाँ जी, मेरे बेटे के आने से पहले ही कई बच्चे घर पहुंच चुके थे, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। माता रानी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाई, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स लिए जिसकी वजह से बच्चे अनएक्सपेक्टेड एक एनवायरनमेंट से निकल के, जो हमने भी कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा होगा, वैसी चीज़ इन्होंने फेस करके सकुशल घर पहुंचे हैं। इसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, अपनी गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतने पॉजिटिव स्टेप्स लिए। हम पेरेंट्स की आवाज़ आप लोगों ने, मीडिया ने इतनी दूर तक पहुँचाई जिसका ये गवर्नमेंट तक असर हुआ और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव स्टेप्स लिए।